हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज है हमारा दार्जिलिंग में दूसरा दिन, और अभी मैं आप लोगों को खिड़की से बाहर दिखा रही थी कि सुबह कितनी जल्दी हो जाती है यहाँ पे। ये टाइम हुआ था 6:30 और 7 के बीच का, तो पूरी तरीके से दिन निकल चुका था इस टाइम पे। और हम लोग बस उठे थे, मतलब उठ तो जल्दी ही गए थे, वही जिस टाइम नॉर्मली उठते हैं। उसके बाद चाय वगैरह हमने पी थी, और उसके बाद हमें जाना था फिर से बाहर घूमने के लिए। तो बस हम लोग नहाने धोने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूं कि यहाँ पे सुबह कितनी जल्दी हो जाती है। तो बस हम लोग 9 बजे तक नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके थे, और हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी। उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ पे चिड़ियाघर जू है उस जगह पे। तो पहले हम जू में गए थे, और जू के साथ एक दो म्यूज़ियम भी थे, एक जो स्नो से रिलेटेड, मतलब पहाड़ों से रिलेटेड जो जो चीज़ें कपड़े चाहिए होते हैं उनसे रिलेटेड था, और दूसरा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कोई म्यूज़ियम था। तो 3 जगह थी यहाँ इस एरिया के अंदर, लेकिन म्यूज़ियम वगैरह में वीडियोस वगैरह बनाना अलाउड नहीं होता, तो म्यूज़ियम की कोई वीडियो क्लिप मैंने नहीं बनाई। यहाँ पे जो जू है उसमें जितने भी एनिमल्स वगैरह थे उनकी वीडियो ही मैं यहाँ पे बना पाई। तो ये स्टार्टिंग में ही थे, मतलब अलग अलग तरीके के जो भेड़ होते हैं, जो मतलब जो भी जानवर होते हैं इस तरीके से, वो थे। और ये यहाँ पे है ब्लैक पैंथर, और ये इस तरीके से घूम रहा था कि बस कोई इसे बाहर निकाल दे एक बार। उसके बाद ये है टाइगर, जो कि, और जानवर बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, बस एक एक ही था जो देखने के लिए कि हाँ यहाँ पे जानवर भी है। तो ये यहाँ पे अपने जगह पे बैठा हुआ था, काफ़ी दूर था। और ये इस जो जू था उसके चारों तरफ का जो जंगल था या एरिया था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल ग्रीनरी थी, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और भी कई सारे जानवर थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 15 या 20 तरह के जानवर थे यहाँ पे, जिसमें से मोस्टली भेड़ बकरियाँ या हिरन की वैरायटी थी। जो बड़े जानवर होते हैं वो एक दो ही थे। तो कुछ उनमें से क्या थे कि अपनी गुफा जो उनकी बनाई हुई थी उसके अंदर बैठे हुए थे, तो उनका भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था यहाँ पे। और जू के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो थी यहाँ के बर्ड्स। तो यहाँ बर्ड्स भी काफ़ी वैरायटी में थे, इस तरह के शेड्स बर्ड्स के लिए बनाए गए थे। और जो बर्ड्स हम नॉर्मली देखते हैं कहीं भी, उससे कुछ डिफरेंट टाइप के बर्ड्स थे ये, मतलब रंग बिरंगे, बिल्कुल कलरफुल, जो देखने में ही इतने सुंदर लग रहे थे। बाकी कुछ इतना अच्छा यहाँ पे एनिमल्स वगैरह का नहीं था, कुछ ही तरह के एनिमल्स, और ये कुछ बर्ड्स थे यहाँ पे। और इनकी एक मूवी वगैरह भी है, क्योंकि इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट भी है जो पहाड़ों पे चढ़ने की ट्रेनिंग देता है, उनकी एक मूवी शो वो दिखाते हैं। वो आधे घंटे के आसपास होता है, 20 या 30 रुपए की आई थिंक उसकी टिकट होती है। तो हम लोगों ने वो भी देखी थी 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से आगे जाने के लिए। उसके बाद हम लोग गए थे रॉक गार्डन। रॉक गार्डन मतलब पहाड़ों के बीच से होता हुआ झरना था वहाँ पे, और वो नज़ारा इतना सुंदर था कि पूछो मत। हम लोगों ने लगभग 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे खूब इंजॉय किया। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ख़तरनाक थे, मतलब एक तरह से आप पहले जिस तरीके से होता है कि आप दीवारों से नीचे उतर रहे हैं और उसके बाद उसी जगह से आपको वापस भी आना है, तो पहाड़ों पे ऐसे ही रास्ते होते हैं कि एक बार तो देखने वाले को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन यहाँ का नज़ारा जो था वो देखने में, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस उसको देखते ही रहे हम, बस देखते ही रहे। तो आधा पौना घंटे का ये रास्ता था जो कि आपका जू से पड़ता है। तो बस आधे घंटे में हम वहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ का जो नज़ारा था उसको देख के बस दिल खुश हो गया, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा था कि पूछिए मत। तो इसमें भी क्या होता है कि जो झरना होता है वो बहुत ऊपर से स्टार्ट होता है, मतलब आपको इस तरीके के जो रास्ते हैं गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाना होता है। जितना ऊपर जाएंगे उतना अच्छा आपका नज़ारा या आपका जो व्यू होता है वो आपको दिखाई देता है। तो गाड़ी वाले आपको नीचे उतार देते हैं, उसके बाद आपको ऊपर पैदल ही जाना होता है। तो चलते चलते पैर दुख गए थे हम दोनों के ही, तो हम लोग 2-4 मिनट के लिए यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे। तो वहाँ आप देख सकते हैं सामने कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं,
तो गाड़ी वाले ने हमें वहीं पे उतारा था नीचे की तरफ, और हम चलते चलते अब ऊपर आए थे। और अभी तो हमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाना था, अभी तो आधा रास्ता भी हमने पार नहीं किया था। और आपका मन है, आप चाहे तो बिल्कुल ऊपर तक भी जा सकते हैं, आप नीचे से ही वापस भी आ सकते हैं, फ़ोटो वगैरह यहाँ से भी अच्छे आ जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को वहाँ का व्यू या वहाँ की जो फीलिंग है वो देने के लिए आपको वहाँ के जो झरना है उसकी आवाज़ सुनाऊंगी। आगे तो यार ना फोटो ना करना, वीडियो बनानी है। तो अभी हम बिल्कुल ऊपर तक ही आ चुके थे और यहाँ पे हम लोगों ने भी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। और यहाँ पे हम लोगों के अलावा सिर्फ एक ये लड़का और लड़की थे, और ये लोग भी कोई वीडियो ही बना रहे थे। मतलब लड़का बांसुरी बजा रहा था और वो शूट कर रही थी, तो ये भी शायद यूट्यूब के लिए ही कोई वीडियो क्लिप बना रहे थे, मुझे ऐसा लगा। तो बस यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के बाद हम लोग निकल गए थे नीचे जाने के लिए। और ऊपर चढ़ने में जितनी हालत ख़राब हो जाती है उससे ज़्यादा, मतलब उससे कहीं आसान होता है नीचे उतरना। तो इस टाइम तक ठंड भी हो चुकी थी, दोपहर का लगभग 1 या 1:30 बज गया था। तो हम लोगों ने बस नीचे जाके चाय वगैरह पी, और चाय की, मैगी की, इस तरीके के स्टोर्स आपको यहाँ पे हर जगह पे मिल जाती है जहाँ भी इस तरीके के टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं। और हितेश को देखिए सबसे आगे आगे भाग रहा है वो। तो यहाँ से जाने के बाद हमारी टिकट थी टॉय ट्रेन की, मतलब 2:30 बजे के आसपास। तो हमने आज जो गाड़ी बुक की थी वो हाफ डे के लिए ही की थी, लेकिन सुबह जब हम जू में पहुँचे थे 9:30 बजे, तो हमारे पास मैसेज आया कि हमारी जो ट्रेन थी जिसमें हम आज ट्रैवल करने वाले थे वो कैंसिल हो गई थी किसी रीज़न से। तो फिर हम लोग इसके बाद कहीं भी नहीं जा पाए, क्योंकि गाड़ी भी हमने हाफ डे के लिए बुक की थी और कोई ऐसी जगह नहीं थी। फिर हमने सोचा कि चलो 3-4 बजे तो वैसे भी शाम हो ही जाती है, तो हम लोग वापस अपने रूम पे चले गए थे। और यहाँ जो होटल था उसमें ये एक सिस्टम था जो कि मतलब रिसेप्शन के पास में ही था, कि ये एक आपके अंगीठी टाइप बनी हुई है, इसमें लकड़ियाँ डालिए और इसमें आपको आग वगैरह कुछ भी पता नहीं लगता कि अंदर आग जल भी रही है या नहीं जल रही, क्योंकि इसका जो पाइप है वो बाहर की तरफ निकाला हुआ था, मतलब खिड़की से। बस आपको इसमें लकड़ियाँ डालनी है, ढक्कन को ढक देना है, और इसका एक ये स्विच टाइप कुछ होता है वो घुमाना है, उसके बाद आग खुद ही जल जाएगी। और धुआं आप देख सकते हैं खिड़की से बाहर पाइप गया हुआ है, वहाँ से ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट देखने में मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इसके पास खड़े होते ही जो गर्माहट मिलती थी कि पूछिए मत। और हम लोग जैसे ही कहीं बाहर से आते तो बस 2-4 मिनट यहाँ पे खड़े हो जाते ताकि थोड़ा सा गर्माहट मिल जाए, और धुआं आप देख सकते हैं बाहर कैसे निकल रहा था। तो इसके बाद रूम पे जाने के बाद हम लोगों ने चाय वाय मंगवाई, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर थोड़ी देर फिर से बाहर घूमने के लिए शॉप वगैरह मार्केट में गए थे। और उसके बाद हम लोग आज कहीं भी नहीं गए थे घूमने। तो अभी टाइम हो गया है लगभग 9:15 बजे का, और अभी हम खाना वाना खा के आए हैं, और बारिश हो रही है बाहर। मॉर्निंग में तो नहीं थी लेकिन शाम से स्टार्ट हुई थी लगभग 6 बजे के आसपास। थोड़ी देर पहले भी हम बाहर गए थे तो उससे पहले हो चुके थे स्टार्ट। और आज फ्राइडे है और कल सैटरडे में हमारी है ट्रेन वापसी की, जो कि यहाँ से नहीं है, वो थोड़ी दूर कोई स्टेशन है लगभग यहाँ से 70-1 किलोमीटर के आसपास, वहाँ से है। तो उससे पहले मतलब दोपहर की ट्रेन है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक दो जगह और देखेंगे, जो कि यहाँ से हम जाएंगे उस जगह पे, एक दो जगह है वहाँ पे आसपास में, और फिर हम जाएंगे स्टेशन पे। लेकिन आजकल जो ट्रेन है हमारी उसका टाइमिंग जो है वो चेंज हो रखा है, मतलब लेट आ रही है लेट जा रही है ऐसा कुछ शेड्यूल चल रहा है उसका। लेकिन फिर भी क्या है कि स्टेशन पे तो टाइम से पहुँचना पड़ेगा, बाई चांस हम लेट जाएँ और फिर वो निकल जाए। तो लगभग 1:15 बजे की है, तो उससे पहले जो भी जगह देखी जाएगी एक दो वो हम देखेंगे, और उसके बाद ही हम स्टेशन पे पहुँचेंगे। और कल दोपहर को चलेंगे यहाँ से, और परसों पहुंचेंगे अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो। 10 बजे का अराइवल का टाइम है दिल्ली का, तो देखते हैं
क्या होता है, टाइम से पहुंचते हैं, लेट पहुंचते हैं, क्या रहता है। तो इस वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। कल क्या रहेगा वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा, अगर मैं बना पाई तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।